गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और हम सुबह सुबह 6 बजे चले गए थे। मैंने व्लॉग घर से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को दिल्ली का ट्रैफिक बीट करना था। हम जा रहे हैं जयपुर की तरफ और अब 100 किलोमीटर बचे हैं। मैं अकेला आया हूं तो ड्राइव करने के लिए और कोई है नहीं, और ये पकड़ने के लिए भी कोई और है नहीं, तो रिस्क नहीं लेते हैं, ड्राइव पर फोकस करके आराम से चलेंगे। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट करी है, आप देखना, मतलब बहुत ही ऑसम व्यू है वहाँ का। पहुँच गया यहाँ पर, अपनी गाड़ी पार्क होगी, वाले पार्किंग को दे दिया मैंने, और ये है प्रॉपर्टी और ये यहाँ का व्यू। अभी मैं अंदर जाऊँगा, चेक इन करूँगा, पैर दर्द हो गए चलाते चलाते, थोड़ा रेस्ट करके फिर हम जयपुर की तरफ जाएंगे। जयपुर से अराउंड 16 किलोमीटर है ये, और इस होटल का नाम है डबल ट्री बाय हिल्टन और ये आमेर में पड़ता है। थोड़ा 16 किलोमीटर जयपुर से पहले है तो बढ़िया है अपना, मतलब थोड़ी शांति रहती है, अपना आराम से यहाँ पर स्टे करो, जयपुर जाके वापस आ जाओ। 1500 किलोमीटर ही है। कोशिश करेंगे कि कोई विंडो वाला रूम मिल जाए ऊपर, तो उसका व्यू अच्छा आएगा। गाइस वेलकम अगेन, और मैं आ गया हूँ रूम में और मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ, साथ में व्यू दिखाता हूँ आपको रूम का कैसा है। रूम तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम ऑसम, 5-स्टार लेवल का है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले वॉशरूम में खा लेता हूँ और ये मेरा सामान, कबर्ड, चाय चाय पीने के लिए कॉफ़ी, ये कौन सी चाय है पता नहीं, खास करके कोई है, पानी की बॉटल, टीवी देखो कितना बड़ा है, ये हमारा किंग साइज बेड। मैं खुद ही अकेला आया हूँ तो ये पूरा बेड, आधे जगह सामान रख लूँगा, यहाँ लेट जाऊँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा। और ये व्यू, इसके वैसे है भाई मेनली व्यू है ना, मतलब आप देखो ये प्लेस ना, अभी गर्मी है थोड़ी सी बट इवनिंग तक ये पूरा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद इतना अच्छा व्यू आएगा ना, और व्यू तो छोड़ो, सनसेट कितना अमेजिंग होगा। मेरे को पता नहीं सनसेट यहाँ से होगा या सनराइज़ होता है। मैं जा रहा हूँ जयपुर एक्सप्लोर करने, अभी 2:30 बज गए, 1.5 घंटा मैं सो गया था, फिर मैं अभी लंच भी नहीं किया क्योंकि पता नहीं कुछ अजीब सा हैवी टाइप हो रहा है मेरे को, वो ब्रेकफास्ट ही ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मैं अभी सीधा चलूँगा वहाँ पर बेडशीट वगैरह देखने, जो मम्मी ने मेरे को बोला है। और यहाँ का सीन देखो यार, मेरा बार बार वहाँ मन कर रहा है देखने को, आप देखो एक बार सीन, कितना ब्यूटीफुल सीन आ रहा है यहाँ पर, ये देखो यार। अपने पास रख लिया टी शर्ट की, अगर ठंड हुई रात में तो मैं ये ओढ़ लूँगा, मतलब ओढ़ के पहन लूँगा। तो चलो लेट्स गो, ये चलते हैं, गाड़ी मंगाते हैं और लेट्स गो टू जयपुर। अभी 1 घंटा और है जहाँ पर हमें जाना है, तो इट विल टेक 1 मोर आवर, तो वहाँ तक चलते हैं और फिर वहीं जाके मैं आपको बात करता हूँ। रास्ते की मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ड्राइव करना है तो मुश्किल होगा। गाइस वेलकम अगेन, और मैं आ गया था सफल उद्योग में, ये भैया है सौरभ भैया, आपका नाम है सर? सौरभ भैया ऑफिस में। आपका नाम क्या? हरीश। हरीश भैया ने मेरे को बहुत अच्छे डिज़ाइन दिखा के, मैंने अराउंड 8 to 9 आइटम्स ले लिए, जो बेडशीट और क्विल्ट, क्या बोलते हैं इसको भैया, दोहर बोलते हैं, दोहर का कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। मैं आपको दिखा दूँगा कौन कौन से डिज़ाइन मैंने लिए हैं, और यहाँ पर होलसेल का रेट पे मिल जाती है, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, आप एक बार चेकआउट कर लेना आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके। बट यहाँ पर आप देखोगे पीछे ना काफ़ी स्टॉक है, तो आपको अच्छे से डिज़ाइन और बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर विज़िट करना यहाँ पर। ये जयपुर के मतलब रोड पर ही, यहाँ पर गाड़ी भी आ सकती है, तो आपको जैसे भी आना हो आ सकते हो। भैया कैसे आ सकते हो यहाँ पर अगर आए तो? ऐसे बाय रोड आराम से कस्टडी, आप बाय रोड कैसे भी आ सकते हैं। जयपुर में सांगानेर जगह है हमारी, फेमस है। अच्छा। और अगर आप गूगल मैप पे डालेंगे तो भी आपको लोकेशन सीधा दिखा देगा। अच्छा। आप गूगल मैप फॉलो करके भी सीधा हमारे यहाँ कोई बस वगैरह जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आना जाती है? कोई नंबर है उसका, नंबर बस नंबर वगैरह तो लोकल तो हमारे यहाँ पे जैसे 11 नंबर वगैरह बस भी चलती है, बाकी आप किसी से पूछेंगे फैसिलिटी पूरी है यहाँ। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पूरी रहती है। ये सब मैंने ले लिया था, घर वालों ने बोला था, तो बेडशीट वगैरह मैंने पैक करा लिया, इसको गाड़ी में रख के और अब चलते हैं यहाँ से। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पॉट। जौहरी मार्केट है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ कोई सोविनियर वगैरह मिल जाए, मार्केट ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं तो वैसे सॉर्ट ऑफ। तो ये ना डेकोरेशन हो रखी है, मैं गलत टाइम पे आ गया, थोड़ा लेट आता ना तो ये लाइट वगैरह जल जाती। अभी टाइम आई थिंक 5 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा और 1-1.5 घंटे में अंधेरा होगा तो लाइट चल जाएंगी। भैया के पास आया था, भैया का नाम क्या है? मनीष गौड़। सीनियर टाइप लिए, फ्रिज पर अटैच हो जाते हैं ये वाले, ये और ये लिया,
और भी भैया के बहुत सारे आइटम्स हैं, मैंने जैसे एक सुविनियर टाइप सॉर्ट ऑफ ले लिया, बाकी आप देखो इनको दिखा रहे हो आप भैया यूट्यूब वगैरह पे आएगा। अच्छा देखते हो यूट्यूब वगैरह आप? यूट्यूब समाचार ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं देखते हो? उस पर आएगी आपकी भैया। अच्छा भैया बता दो, आप आमिर फोर्ट वाला बता रहे थे, बढ़िया कौन सा रहता है जैसे कोई घूमने आए तो क्या कहाँ चले जाए? आमिर फोर्ट है, जल महल है, हवा महल है, सिटी पैलेस है। हाँ, रात में सबसे बढ़िया कौन सा लगेगा? लोग रात में तो अभी जौहरी भैया चार दीवारी देखने में अच्छा लगेगा। अरे अभी जलेगी लाइट ना, लाइट जलेगी, डेकोरेशन जब चलेगा ना जब ज़्यादा बेस्ट लगेगा आपको। तो कितने बजे जल जाएगी लाइट जी? आपकी करीब 6:30 के आसपास। 6:30 के आसपास। और खाने पीने की जगह बढ़िया कौन सी है? चौकी धानी वगैरह बढ़िया? चौकी धानी से तो LMB ज़्यादा बेस्ट है। LMB है ज़्यादा बढ़िया? LMB और गेट के बाद BMB होता है। फिर से मम्मी ने बहुत सारा सामान दिलवा दिया, बहुत खर्चा करवाती है मम्मी। मम्मी आई नहीं तब भी खर्चा करवा रही है, और मम्मी आ जाती तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता, अच्छा वो नहीं लेके आए। तो देखते हैं बार चौकीदानी में कैसा रहता है। और भैया से मेरे पीछे भैया जो आ रहे हैं ये सामान लेके आ रहे हैं, मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने भैया रिक्वेस्ट करी भैया आप ले आओ सामान, तो वही सामान लेके अब गाड़ी में रख के चौकीदानी चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ चौकीदानी पे, और ये पार्किंग की जगह है, यहाँ पर मैंने पार्किंग लगाई है अभी। बट पार्किंग की ना थोड़ी सी अलग से एंट्री है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लोग, ये अभी जाने वाली रोड है और इनकी सर्विस लेन में आना है, ठीक है? आई थिंक या तो रॉन्ग साइड आ सकते हो आप, बट आना नहीं, आगे से जाके यू टर्न मार के ना, गूगल मैप गलत दिखाएगा क्योंकि मेरे को गलत दिखाया था उसने, तो आगे से जाके यू टर्न मार के अंदर आ जाना है, किसी से पूछ लेना तो लोग बता देंगे कि हाँ यहाँ पर है। कि पार्किंग तो काफ़ी स्पेशियस थी, सही से लग गई, तो अंदर जाके देखते हैं अभी कैसा है चौकीदानी रिजॉर्ट। सब बड़ी तारीफ कर रहे थे इसकी, तो मैंने सोचा आज ही कवर कर लो। तो लेट्स सी,
होता था, सिंगल सिंगल 3 फिट 2 वाला, सिंगल फिट 2। यहाँ बैठ जाए क्या चेयर पे? हाँ बैठो ना, बैठने के लिए सुबह ऊपर जाते हैं। मास्क लगा ले। क्या क्या है खाने में? क्या क्या है खाने में? चूरमा बाटी सलाद। हाँ 5 प्रकार की सब्जी है। अच्छा। कड़ी दाल, कड़ी पालक। 3 प्रकार की रोटी है। अच्छा। गेहूँ की, बेजड़ की और मक्के की। अच्छा। और चावल की खिचड़ा और मिठाई में मालपुआ। क्या बात है, क्या बात है। की चटनी गेहूँ का और ये बाटी आलू प्याज गट्टे पालक मंदोड़ी और तैयार। बस खाना तो हो गया डन। और मतलब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत ही और ज़्यादा औसम। मतलब उठने नहीं दे रहे थे मुझे, बस मेरा पेट फुल हो चुका है, अब मैं चलूँगा होटल पे। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मिलते हैं अगले दिन। बस जाके सोना ही है तो यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइव भी खुद ही करना है। ठीक है गाइस, बाय।